नानी की नेक्स्ट एक्शन मूवी सारीपोते सनिवारम यानी हिंदी में इसका टाइटल रखा गया है सूर्य सैटरडे। इसका एक ग्लिम्स रिलीज हो गया है और नानी को फिर से एक मास कमर्शियल फिल्म में देख के काफी मजा आ रहा है। और ये फिल्म एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आती है, तो इसके ग्लिम्स से हमको ये पता चलता है कि नानी का कैरेक्टर काफी गुस्से में रहता है और वो अपने गुस्से को अनुशासन और सलीके से सिर्फ सैटरडे को ही निकालता है। और इसका एक हिंट हमको ये मिलता है कि शायद से सैटरडे को ही उसको सुपर पावर्स यानी कि सुपर स्ट्रेंथ मिलती है, इसलिए वो सिर्फ सैटरडे को ही बुरे लोगों से लड़ता है और एक टाइप का एक सीक्रेट सुपर हीरो स्लैश विजिलेंटी है ये। और ग्लिम्स के इस फ्रेम से हमको ये पता चलता है कि नानी का कैरेक्टर जिसका नाम है सूर्या, वो एक नोटबुक रखता है जिसमें उसने जितने भी क्राइम्स हुए हैं बाकी के वीक डेज में यानी कि संडे को कौन सा क्राइम हुआ है उसके सिटी में, वो सब कुछ लिख के रखता है। और जिन क्रिमिनल्स ने वो क्राइम किया है उनके भी नाम वो लिख के रखता है क्योंकि वो उनसे लड़ेगा सैटरडे को जब उसको पावर्स मिलेंगे। और यहाँ पर एक पर्टिकुलर नाम पे उसने रेड कलर से मार्क किया है लेकिन बाकी सबको ब्लू कलर से। इससे ये पता चलता है कि वो इंसान जरूर इम्पोर्टेंट आदमी होगा इस स्टोरी के लिए। यहाँ पर एक और डिटेल नोटिस होती है कि शायद से ये डायरी पहले से ही भरी हुई होगी और प्रियंका मोहन का कैरेक्टर ने इसमें ये सब कुछ लिखा होगा और वो शायद से मर गई होगी और उसका बदला लेने के लिए नानी एक एक करके जिनके भी नाम इस डायरी में है उनको मार रहा है क्योंकि इस शॉट में हम उसको सारे नामों पे पेंसिल से स्ट्राइक मारते हुए देख सकते हैं। और हम एसजे सूर्या को भी देखते हैं जो कि इस मूवी का मेन विलन होने वाला है और वो एक पुलिस ऑफिसर है। एक और थ्योरी ये भी है कि नानी के पास कोई भी सुपर पावर ना हो, बस ये उसका एक टाइप का कोई रूल हो जिसको वो फॉलो करता हो कि मैं सिर्फ सैटरडे को ही लड़ूंगा। और इस फिल्म के डायरेक्टर है विवेक अत्रेया जिनकी पिछली फिल्म भी नानी के साथ ही थी और वो थी अंटे सुंदरानी की जो कि एक बहुत ही बढ़िया मूवी थी। तो इस फिल्म से एक्सपेक्टेशंस और भी ज्यादा बढ़ गए हैं और ये फिल्म रिलीज होने वाली है 29 अगस्त 2024 को और तब पुष्पा 2 का थर्ड वीकेंड होने वाला है। और अगर तब तक पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पे आग लगा रही होगी तो इस फिल्म को अपनी हाइप पुष्पा 2 के क्रेज के बीच में बनाना होगा। और नानी की अपनी खुद की एक डेडिकेटेड मार्केट है बॉक्स ऑफिस पे और नानी की पिछली कमर्शियल फिल्म दशहरा बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल साबित हुई थी और एसजे सूर्या एंड प्रियंका मोहन के जुड़ने से ये फिल्म में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और मैं ये फेस ऑफ देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आपको ये ग्लिम्स कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिख के बताइए और यहाँ पर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं और लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को। और आप कौन से दिन अपना गुस्सा निकालते हो वो जरूर बताइएगा।